कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट से सच का पता लगाने के लिए कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश देकर जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में बीजेपी नेताओं के हाथों भगवान राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लूट की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी के एक नेता ने फरवरी में अयोध्या में 890 मीटर जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी और फिर उसे 2.5 करोड़ रुपए की भारी रकम धनराशि में मंदिर ट्रस्ट को बेचकर 79 दिन में 1,250% का मुनाफा कमाया। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा है कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। क्या यह ट्रस्ट बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीशों और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वे सच का पता लगाएं और इसकी जांच कराएं? वहीं सुरजेवाला से पूछा गया कि क्या पार्टी इस कदम के खिलाफ कोर्ट जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि क्या कोर्ट को इस मामले पर स्वतः संज्ञान नहीं लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी निगरानी में पूरे लेन देन का ऑडिट करना चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। वहीं सुरजेवाला ने कहा है कि अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य निभाएंगे, हम इसे उनके विवेक पर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यह ट्रस्ट बनाया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिकता का भी सवाल है। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा है कि गेंद प्रधानमंत्री के पाले में है, देखते हैं कि वह क्या निर्णय लेते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।